22 तारीख को जो कार्यक्रम होगा इसे लेकर राजनीति भी बहुत हो रही है आचार्य जी, और ये कहा जा रहा है कि ये पूजा विधि विधान से नहीं हो रही है, क्योंकि आपने खुद इतने विधि विधान का जिक्र किया, पूजा पद्धति का जिक्र किया, बार बार ये कहा जा रहा है कि दो शंकराचार्य हैं जो इससे खुश नहीं है, वो सवाल उठा रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि प्रेमी जो जोड़ा होता है वो पूजा करता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री की भूमिका को लेकर भी कई तरह के सवाल जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज उठा रही हैं। ये पूजा विधि विधान, ये कहा जा रहा है कि मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ तो ये पूजा कैसे हो सकती है, आप ऐसे लोगों से क्या कहेंगे? देखिए, जिस जगह रामलला को स्थापित करना है उसमें तीन भाग में बंटना है, तीन भाग में जो पहला भाग है बन चुका है, और इस पहले भाग में रामलला स्थापित होंगे जिसमें कोई भी इसमें कमी नहीं रह गई है। तो ऐसे दशा में यदि इस प्रकार से कहना कि मंदिर पूरा नहीं हुआ, मंदिर एक भाग पूरा हो गया है, जो मंदिर ऐसे बनते हैं जो इनका नीचे से लेकर और शिखर तक केवल एक ही भाग रहता है, उसमें बीच में कोई कटौती नहीं होती है, ऐसे मंदिर के लिए पूरा मंदिर की बात होता है। और ये जितने भाग में रामलला स्थापित होंगे वो पूरा हो चुका है और इसमें कोई कमी नहीं रह गई है, और जो कुछ बाकी है वो बाद में बनता रहेगा। इसके इस मंडप की जो बन चुका है इसकी पूजा अर्चना हो जाएगी और पूजित भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उसमें स्थापित हो जाएगी, इसलिए वो शास्त्रीय सम्मत है, कोई भी कार्य यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है जो शास्त्र के विपरीत हो, इसलिए उसको समझना चाहिए कि रामलला जिसने जिस भाग में स्थापित होंगे उस भाग को पूर्णतया बन गया है, उसमें कमी नहीं है, और उसका शिखर जो है वह भी बन गया है जितने भाग में रामलला की होते हैं। और जो ये एक जो ऐसे मंदिर बनते हैं जो नीचे से लेकर शिखर तक एक ही भाग होता है, ऐसे मंदिरों में पूरा होने के बाद भी कार्य होता है और उस मंदिर की पूजा होती है, लेकिन ये जितने भाग में रामलला विराजमान होंगे वो पूरा बन गया है, उसमें कमी नहीं है। इसलिए यह बात जो सोचते हैं लोग कि नहीं पूरा मंदिर नहीं बना है, वह भाग पूरा बन चुका है जहां रामलला विराजमान होंगे, इसलिए ये शंका छोड़ दें कि यह जो भी कार्य हुआ है वो शास्त्रीय विधान से, प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रीय विधान से हमारे लिए शास्त्रीय प्रमाण है और उसी के अनुसार ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, ये हमें शास्त्र के विपरीत कोई भी काम नहीं, शास्त्र के अनुकूल है।